अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मैं आपका अपना एयान, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इट्स आई यू हेयर। तो आज मैं लेके आ गया आपके लिए न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है ये बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल, आई होप आपके लिए भी स्पेशल होगा। तो आज हम जा रहे हैं मक्का मदीना में उमरा करने। तो लॉकडाउन के बाद अब उमरा खुला है, तो आज आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उमरे का, कि कोरोना के बीच में एक्सपीरियंस कैसा रहा उमरे का, और वहाँ पे माहौल कैसा है, उमरा कैसे हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं उमरा के लिए, मिलते हैं आगे ब्लॉग में। वैसे अभी हम जा रहे हैं बत्था, तो टैक्सी से बत्था जाएंगे, वहाँ से बस लेंगे, तो बस पकड़ के सीधा हम जाएंगे मक्का। तो वैसे अभी पहुँच गए हम बत्था में, तो अभी बज रहे हैं 12, तो बस बहुत लेट है, बस का टाइम है 1:15 के करीब, तो 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, फिर बस आएगी, फिर हम निकलेंगे सीधा मक्का के लिए। तो चले मिलते हैं आगे। तो गाइस ये रहा बत्था, आप देख सकते हो, यह है यहाँ का बत्था, ये बस्था का बस स्टैंड है, तो ये है यहाँ से मक्का से बस मिलती है। तो वो जो सामने जा रहे हैं भाई कुर्ते पजामे में, जिसने टैन कलर की जैकेट डाली हुई है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ जाएंगे मक्का में। तो सर ये रही हमारी बस, तो हम चलते हैं, अब निकलते हैं। तो वैसे मैं बस में बैठा हूँ, तो बहुत टाइम हो गया बस में बैठे को, कब से इंतजार कर रहे हैं बस चलने का, अब तक नहीं चली। तो बोला था उन्होंने 1 बजे बस चलेगी, अभी 1 से ऊपर टाइम हो गया, अभी तक बस नहीं चली, तो देखते हैं कितने बजे निकलती है बस। तो गैस पूरे 1.5 घंटे के बाद अभी बस रवानी है मक्का के लिए, तो अभी हम जाएंगे सीधा मक्का में, रास्ते में रुकेंगे खाने पीने के लिए, देखते हैं कहाँ पर रुकते हैं, और मैं आपको भी दिखाऊँगा फिर कहाँ पर रुकते हैं। तो चले चलते हैं। शाम के 6, आप देख सकते हो दूर दूर तक कोई घर नहीं है, पूरी रेतली ज़मीन है। जब से हम चले हैं, मतलब कि हम 3 बजे से चले हैं, तो अभी तक कोई रेस्टोरेंट नहीं आया, तो बहुत भूख लगी है। तो देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट पे रुकते हैं ये। हाँ अगर कोई भी इंडिया से आ जाता है, तो अगर वो अपना खाना लेके आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेके आता तो उनसे यही है कि वो बस में सो जाए, तो अगर सो जाते हो तो फिर भूख नहीं लगेगी। Oh.
गाइस वहाँ पेट्रोल पंप से 3 बजे चले थे, अभी 7 बजे दूसरे पेट्रोल पंप पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, तो अभी खाना खाने लगे, तो आपको भी मैं दिखाता हूँ क्या खाने लगे। तो बहुत भूख लगी है, तो जल्दी से दिखाता हूँ आपको और फिर खाते हैं। तो ये रहा हमारा जी खाना, ये शोया चिकन और राइस, और ये क्या है, ये भिंडी है और वो रोटी। तो ये भाई हमारे सेल भाई खाना खाने लगे हैं। तो गाइस ये रही हमारी बस, तो अब सीधा जाएगी मक्का पे, बस देखिए कब तक पहुंचती है, 12-1-2 बजे पहुंचेगी। तो चलिए चलते हैं अब सीधा मक्के की ओर। गाइस अब हम जा रहे हैं मक्के की तरफ, पता नहीं कब पहुंचेंगे, देखते हैं। तो मक्के से पहले हमने अहराम बांधना है, तो आपको भी मैं दिखाता हूँ अहराम कैसा होता है। तो अहराम के कुछ रूल्स भी होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। गाइस ये रहे अहराम, ये वाइट कलर के होते हैं, तो अभी हम खरीदने लगे हैं इनसे, ये भैया से। भैया ही दे दो एक, बस आप देख सकते हो जब मैंने अहराम ले लिया है, तो अभी अहराम डाल के आता हूँ। तो अहराम के कुछ रूल्स होते हैं, जब आपने अहराम पहन लिया आप सो नहीं सकते, नाखून नहीं काट सकते, बालों को हाथ नहीं लगा सकते, खारिश नहीं कर सकते, कोई बाल खींच नहीं सकते। तो ये रूल्स होते हैं अहराम पहनने के बाद, जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो जितने मुझे पता है मैंने आपको बता दिए, तो जो भी आए तो ये रूल्स फॉलो कीजिए। तो अभी अहराम डाल के आते हैं, इस पार्ट वन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आगे पार्ट टू में, तो वहाँ से आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं, कैसे कैसे सब होता है, कैसे कैसे सब होता है।